लेकिन क्या होता है, अभी जो तुमने किया ये सिर्फ और सिर्फ उस सीन की कॉपी थी। कॉपी पसंद आती है या ओरिजिनल पसंद आता है हमें? क्यों? बॉयज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिरोज सूर्या वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था इंडिया का डॉन शोले की गब्बर सिंह तरह या गुजराती आएगा। तू तो खरगोश की तरह मासूम निकला, मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बनकर दहाड़ भी सकता है ना, ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते। सूर्य में जैसा वैसा ही दिखता हूं, अंदर बाहर सब एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देखो मैं खुद चला आया, मुझे तुझसे जो मिलना जो था। बोलता जा, तू मुझे टक्कर का आदमी लगा। मैं चाहता था तुझे चुटकी में खत्म कर दिया, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्य तेरे कुंडर मेरे पास है, बोलू क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा सादा शरीफ, अपनी स्फर की जिम्मेदार। उस वक्त यादव नाम से बहुत डरते थे, लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने के बाद पुलिस भी तुझसे और डरने लगी और तू यहाँ का डॉन बन गया। और तू इसी बीच एक लड़की से मोहब्बत भी करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट आई लाइक इट। यह है तेरा बायोडाटा। फिरोज तू को ऐसा समझता है कि हिंदुस्तानी खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने कर्ज लुंडा बाजार में चिंद चोर किया करता था, रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पर उतार दिया, आप इसे बाहर आ गया तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदलकर फिरोज बन चुनत गैंग को ज्वाइन कर दिया, लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो गई कि एक दिन चुनत को मारकर तू डॉन बन गया। लेकिन इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत भी करने लगा। पता नहीं पाकिस्तान पर पाक सरजमीन पर तेरे देश से नाबाद कैसे फायदे हुए। शुक्र करते तू मेहमान इसलिए बच गया, नहीं तो लात घुसा की मशीन में डालकर बीस बीस कर तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो, गेट लॉस्ट। तेरी जबान बहुत चलती सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत बोल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला गद्दार से दोस्त नहीं करा, मारा जाएगा। अपनी सोच, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकले यहां से, गेट लॉस्ट। क्या कहना चाहते हो आप लोग, उसको बताओ। सर इंडिया एक बहुत ही अच्छा था, उनको ही बताना है। आपका एक बहुत ही अच्छा था, बट मैं मुझे आई हूं यहां एक हफ्ता लगभग हो गया, ठीक है। बट ये एक्ट आपने बहुत पहले से प्रिपेयर किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इसमें मास्टर हो गए, तो आपको आई थिंक पहले ही प्रिपेयर किया हुआ चीज ना करके इससे कुछ अलग करना चाहिए था, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा ऑफर लेवल पे जा चुके हो। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी तभी मैंने आपको देखा था, यार बहुत ही सही तरीके से किया था, ठीक है। तो आज मुझे लगा कि आज कुछ आप अलग करेंगे, अलग देखने को मिलेगा, तो वो नहीं हुआ। आपने वही चीज किया जो आप सालों से ये करते आ रहे हो, इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो आपने आज कुछ अलग नहीं किया। आई थिंक अलग करना चाहिए था। वेरी गुड, करेक्ट है। रुको रुको रुको, बोल रहे हो पर, अरे रुक, देखो हर किसी को किसी ना किसी हीरो हीरोइन का इन्फ्लुएंस होता है ना। तुम्हें ये साउथ की पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? कितनी बार देखी है? मैंने बहुत
50-100 बार तो देखी होगी, है ना? ये कब से नहीं तेरे को ये डायलॉग? क्या? ये कब से याद है? ये दो बार देखा डायलॉग तो मेरे याद आ गया। कब से? कितने सालों से? सालों से नहीं, अभी तो एक महीना। तेरा वीडियो देखा मैंने। एक दो महीने से ही याद हुआ है। ठीक है, हर किसी को कोई ना कोई बॉलीवुड एक्टर, कोई ना कोई मूवी पसंद होती है, उसमें का कैरेक्टर पसंद होता है। लेकिन क्या होता है, अभी जो तुमने किया ये सिर्फ और सिर्फ उस सीन की कॉपी थी। कॉपी पसंद आती है या ओरिजिनल पसंद आता है हमें? क्यों? ओरिजिनल अपने तरीके से किया जाता है, इसीलिए तुम कपड़े के दुकान में जाओगे और बोलोगे टी शर्ट दो भैया, तो देगा तुझे, बोलेगा 500 रुपये का टी शर्ट है, तुमने खरीद लिया। उसके बाद बोलेगा कि ये टी शर्ट जो है ना वो मैंने भी 2-4 बार यूज़ किया है, लेकिन कोई नहीं, 50 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ आपको, आप यूज़ कर लो। लोगे क्या आप? नहीं ना। क्यों? तुम एक्टर हो और ये 15 लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं और इनके सामने तुम 2 कैरेक्टर दिखाने का टास्क तुम्हें करना था। तो तुमने ये फिल्म का सीन करना सही था या रियल लाइफ में तुमने जो लोगों को देखा है, जिनको ऑब्जर्व किया है, उनको करना अच्छा था? रियल लाइफ। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जो लोग कुछ करते हैं अपने तरीके से। क्योंकि अपने अंदर का एक्टर तभी बाहर निकलेगा जब हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, ब्रेन को टेंशन देंगे। तुम्हें ढूंढना पड़ता कि यार मैं किस कैरेक्टर को आज प्रेजेंट करूं, 2 कैरेक्टर मुझे प्रेजेंट करने हैं। हो सकता था एक 50-60 साल का कोई दादा दादी, कोई भी आप प्रेजेंट कर सकते थे और एक यंग लड़का प्रेजेंट कर सकते थे। सो जैसे मैंने बोला कौन आएगा, यू केम फर्स्ट, कि मैं आके करता हूँ, लेकिन उसमें नयापन कुछ भी नहीं था। तो उससे ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, उससे तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बाकी सबको बताता हूँ मैं कि जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, अगर उनका इन्फ्लुएंस तुम्हारे दिमाग में है हीरो हीरोइन का, तो उसको आज ही निकाल दो, क्योंकि वो बन चुके। अजय देवगन बन चुका है ना, सलमान खान, शाहरुख खान सब बन चुके, बच्चन साहब बन चुके, हम बनना बाकी है ना। कल लोग आपको फॉलो करेंगे, कल लोगों के लिए आप रोल मॉडल बनोगे, अगर अच्छी एक्टिंग की, अच्छे से आपने कैरेक्टर प्ले किए तो। इसीलिए आप एक साइंटिस्ट हो और आप एक लेबोरेटरी में बैठे हो और अपने आप को ढूंढ रहे हो, ये हमेशा याद रखो। कॉन्फिडेंस की दाद दूंगा मैं, आके कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट प्रेजेंट करना, कैरेक्टर से ना निकलना, वो अच्छी बात थी। अच्छा, चेयर हटाने की ज़रूरत थी क्या? नहीं ना। अगर वहाँ पर टेबल था, वो स्टूल है, चेयर है, तो उनको यूज़ कर सकते थे ना तुम? कैसे यूज़ कर सकते थे? बैठो, फेस कर इधर चेयर का, फेस टू फेस रखो, थोड़ा क्रॉस करो, थोड़ा क्रॉस चेयर। हाँ बस बैठ, बस बस बैठ। अभी एक कैरेक्टर तू ही है, तेरे घर में तू किसकी एक मिमिक्री कर सकता है, किसकी कॉपी कर सकता है? चाचा, दादा, बुजुर्ग आदमी में कोई भी? सूर्या भाई छोड़ो ना, सूर्या भाईला आम्ही परेशान झालोय। कोण आहे ज्याची तू कॉपी करू शकतो, ज्याचा कॅरेक्टर तू दाखवू शकतो? आई, भाऊ, बहीण, मित्र, माहित आहे ना? ठीक आहे, हा आता तू, तुझे वडील आहेत आणि समोर त्या चेहऱ्यावर बसलेला तू आहेस। सो जेव्हा वडिलांचा रोल करशील तेव्हा तिथे बस, आणि जेव्हा तुझा रोल करशील तेव्हा उठून चेअर नको सरकवू, तू सरक इकडे। दाखव कसं करणार? हां, मराठीत कर, मराठीतच कर आपलं। हां, आता तू जिकडे बघतोय तिकडे जर तुझे तू बसलेला आहेस तर तुझे डोळे कुठे असतील? डोळे कुठे असतील? सरळ बघ, सरळ, स्ट्रेट। हां हां, गुड, बोल। हे तुझे वडील आहेत, तूच आता त्याला सांग, तुला सांग की बाळा मुंबईला जाऊन चिंता नको करू, व्यवस्थित राहा। काय तुला सांगितलं असेल ते बोल। कसे बसतात ते घरात, कसे बसतात?
हाँ तसबस, पहले तो तसबस। गुड, हाँ गुड। आता बोल, जसे बोलता जसा आवाज ऍक्शन सगळं कॉपी कर। आता जा तुझ्या रोलमध्ये लगेच। हां बस तेवढं आरामशीर सॉफ्टली शिफ्ट व्हायचं। आता वडिलांचे डोळे कुठे आहेत? हां हां बोल त्यांना। हां आता तुझ्या स्टाईलमध्ये हा बाळा। व्हेरी गुड। हां जैसा जैसा रहता है वैसे कर। हां जसा बसतो तसं कर। थोडे डोळ्यावर, डोळे त्यांचे डोळे कुठे असतील हां त्यानुसार त्यांच्या डोळ्यात बघ। जा परत त्यांच्या ठिकाणी, पुढे काय बोलले ते। मला का जायचं ते सांग पप्पाला मुंबईला। ठीक आहे, आता मी तुला सिच्युएशन देतो की तू वडील आहेत तुझे आणि तू आहे आणि तू खूप ते जाऊ देत नाहीत तुला। ते म्हणतात म्हणजे नको रे बाळा आपल्या लोकांचं आहे काय काम, हा कशाला नादाला लागतो त्याच्या, आणि तू त्यांना रिक्वेस्ट कर। तू रिक्वेस्ट केली असेल ना त्यांना की जाऊ द्या मला, हां सोडत नव्हते ना, तर तू जसं त्यांना रिक्वेस्ट केली ना तो सीन दाखव की तो तू तुझे वडील म्हणतात नको जाऊ, मग तू त्यांना विनंती करतोय, असं दोन कॅरेक्टरमध्ये वेगळे पण आलं पाहिजे ना, ते दाखव। पप्पा मला मुंबईला जायचे ऍक्टिंग कर पुढे पाहिजे ना। कस कस मी इकडे येण्यासाठी काय केलं ते पप्पा मला मुंबई जायचं आहे, ऍक्टिंग क्लास लावायचं आहे, सगळी पोरं गेल्यात मला पण जायचं आहे, दोन तीन दिवस जाणार रे, जाऊ का मी? कशाला जातो तिकडं काय, इथं कामाला मला जा, शाळा शिक, त्याच्यात काय दे सोडून ते ऍक्टिंग बिक्टिंग काय नाही, बली बली जात्यात नेतर माग बोली बिली, तू काय ऍक्टिंग करणार तिकडं दे सोडून ते, तू नाच सोड आपला कुठं तर कामाला जा, काहीतरी दुसऱ्या कंपनीत जा, इकडं जा शाळा शिक, काय तू नाच भांगर नाच दे सोडून तो। मला जायचं काय होऊन दे, मी जाणार भाई जाणार, आता काय होऊन दे नाही, मुंबईला मला जायचं ते आता काय होऊन दे, जाणार मी जाणार, तुम्ही देते का नाही मला पैसे, नाही तर मी काहीच करणार नाही, शाळा बिळा सगळं सोडून दे, मला फक्त ॲक्टिंगमध्येच करिअर करायचे। बघतोय आम्हाला, पण एकदा तू तिकडे गेला का घरी नाही यायचं, एकदा तिकडे गेला घर नाही यायचं, तिकडे तर आम्ही तुला पैसे देऊ आणि ते पैसे संपलं का तू तू बघायचं तू
तुला जे करायचं ते आम्ही परत पैसे पाठवणार नाही, तू आहे तो येऊन ते तू भरायचं, गेला तर चांगलं राहा, चांगलं नाव कर मोठं, गेला तर येऊ नको, काहीतरी करू नये. हो जाऊन दे ना त्याला, हा सगळी जात्यात, जाऊन दे जाऊन दे, तू ॲक्टिंग चांगलं करतो तू, त्याच्या याच्यात मन लागत, जाऊन दे ना त्याला, जाऊन दे, तू तर तिकडं काही करीन दे इंडियापेक्षा, काहीतरी करतोय ना, दारू बिरू शिर त्याचं फालतू पोरमान काही करत नाही, तू स्वभाव चांगला आहे तो स्वभावानी, जाऊन दे त्याला तिकडं, काहीतरी करीन तिकडं, तू जाऊन द्या. काय बोलले तीच सांगू ना, मला मला सांगत तिथे बसव. हा कुणी आहे तिकडे जा, पण नीट राहा बरं का, कोणच्या पोरी का बे कुणी आहे इकडे बसलो. हे कुणी आहे तू तिकडे मुंबईत चाललाय, पण नीट राहा बरं का, तिकडे पोरी बिरी कोणाला बघू नको, कोणाला ये नको करू, नीट राहा जरा, काय सांगितलं ऐक नीट जरा, आपण श्रीमंत गरीब आहे श्रीमंत नाही, नीट ध्यानात ठेव, पंच्या पोरीला शिडू बिडू नको, नीट राहा, व्यवस्थित राहा, फोन फोन कर, काय तिकडं. हा हा मी नीट राहीन, तू नको काळजी करू ओली, हा नीट राहीन तिकडं, हा नीट राहीन, हे काय नाही करणार कोणाकडे नाही आपलं, मी माझ्या तर चालत राहीन, ॲक्टिंग शिकेन, डान्स बीन सर्दे शिकू शिकवतील, त्यांच्यातच हे करेन. हा नीट राहीन. देख अभी तू ही है, 15 मिनट पहले वही एक्टर है, वही हम हैं, और 15 मिनट बाद तूने इतना अच्छा किया कि सभी स्टूडेंट ने खुद ब खुद तालियां बजाई तेरे लिए. तो ऐसा क्या हुआ, तुझे क्या लगा, काय वाटतं तुला की काय झालं असं? हे रियल है ना, तीच ऍक्ट
आणि यांना आवडलं जे करायला तुला जास्त मेहनत पण नाही लागली. हीच ॲक्टिंग आहे. म्हणून पिक्चरचा जो इम्प्रेशन आहे ना, पिक्चरचे हिरो पण ॲक्टिंगच करतात, तर ती ॲक्टिंग आपण कॉपी करायची नाही. ओके, क्लिअर. आता इथून पुढं सूर्याचा मुडदा बसून टाकायचा, गाडून टाकायचा त्याचा मुडदा. आणि आता नव्याने आपण तुला बनवू, नव्याने सुरुवात करू. आणि आपली जी भाषा आहे, गावाची भाषा असो किंवा कशी असो, ती आपली भाषा आहे. फक्त शुद्ध भाषा बोलणे म्हणजेच ॲक्टिंग करणे नाही. पुण्यातली जी शुद्ध भाषा नण तसंच बोलणं म्हणजे ॲक्टर होणं असं आहे का? नाही आहे. विदर्भाची वेगळी भाषा आहे, मराठवाडा आहे ना, खानदेश, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी भाषा बोलली जाते, वेगवेगळे कॅरेक्टर असतात. म्हणून स्वतःच्या भाषेचा न्यूनगंड की यार माझी भाषा खराब आहे हे डोक्यातून काढून टाक. पण प्रमाण भाषा बोलता आली पाहिजे, म्हणजे शुद्ध भाषा पण बोलता आली पाहिजे. कॅरेक्टर जर तसं आलं तर आपल्याला